आज इनको मेरा वाला एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ। सिरदर्द चले जाओ माइक के, अभी बता दे। ये कुछ हिंट दे रहा है सिरदर्द तुम्हें। सिरदर्द के साथ भी जो किया था क्या? क्या बना गैस कर? राजमा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पार्थ का एग्ज़ाम है, वो जा रहा है स्कूल एग्ज़ाम देने और मैंने उसका टिफ़िन पैक करके रख दिया है। आलू का झोल चाहिए था उसको, वो बना के उसे चपाती दे दी है। अभी नाश्ते में मैं मम्मी पापा के लिए पेठे की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और साथ में आज बनाऊँगी मैं स्टीम्ड इडलीज। उसको तड़का लगा के मोहित और मैं खाएँगे, उनका मन है इडली खाने का। तो पहले हम इनको स्कूल भेज देते हैं, फिर नाश्ता बनाएंगे। तो ये हल्का सा पानी कोसा करके डालती हूँ पार्थ की बॉटल में, क्योंकि अभी चेंजिंग मौसम है तो इसलिए ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो गला ख़राब हो जाएगा। पार्थ रेडी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा होएगा एग्जाम, डोंट वरी। ओके जीजू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट हो गया, चांद दिखा रहे हैं, चांद सा मुखड़ा नहीं दिखा रहे। गुड मॉर्निंग जीजू। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आपकी जीजू के थोड़ा सा सिर में दर्द हो रही है, कभी नहीं होती सिर दर्द, आज इनको मेरा वाला एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ। मुझे होती है। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, अभी असर कर जाएगी डिसिप्लिन। ठीक है, चलो चलो पहले फटाफट से ऊपर से जैकेट वगैरह, बेटे बैग पैक हो गया तेरा। ये देखो न्यू हेयर कट, कंघी नहीं करी अभी? नहीं, कर ले। दिखा ये हीरो लग रहा, मस्त टचवुड। जय गुरुजी, कर ले। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हाँ, बहुत अच्छा होगा एग्जाम। तो फ्रेंड्स, नाश्ते में मैं बना रही हूँ सूजी की इडली और मैं लेती हूँ 2 कप सूजी और उसमें लगा लो लगभग 1.5 कप दही और कुछ भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा नमक ऐड करना है और इसकी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो और पानी डालेंगे। तो बस इसको मिक्सचर को मिक्स करके इसमें हल्का सा पानी ऐड करके मैं थोड़ी देर इसको रख दूंगी ढक के, ताकि सूजी जो फूलना चाहती है वो फूल जाए, अपना मुंह सुजा ले। और उसके बाद मैं जो इडली के सांचे हैं वो निकाल के उनको ग्रीस कर लूँगी, क्योंकि इडली मैं बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ इसलिए बाद में हम इसमें तड़का लगाएंगे प्याज का और सरसों का, बहुत ही ज़्यादा मस्त टेस्टी बनती है और नाश्ता भी हेल्दी ऑप्शन है ना। तो बस इडली के सांचों में डालने से पहले बैटर में मैंने इनो डाला है, थोड़ा सा पानी और मिक्स करके उसकी कंसिस्टेंसी अभी भी थिक रखी है, लेकिन ऐसी कि बस आप डालो तो वो फैल जाए पैन के अंदर। ये इडली का जो स्टैंड है स्टेनलेस स्टील का है, आई थिंक मैंने ऑनलाइन लिया था या पता नहीं कहाँ से, बट ये बहुत ही बढ़िया स्टैंड है। और ये मैंने कुकर में पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है तो इसके अंदर मैंने ये रख दिया है और मैं विसल हटा के लिड लगा दूंगी 20 मिनट्स के लिए। ये हमारी पेठे की सब्जी तैयार, चाय बन रही है, मम्मी पापा की चपाती, और यहाँ मैंने रख दी इडली 20 मिनट के लिए। तो फुल फ्लेम है और स्टीम निकल रहा है ऊपर से विसल के बिना 20 मिनट्स। तो गाइस, ये हो गई हमारी इडली, बस 2 मिनट और मैं इसको बंद कर दूंगी। उसके बाद ये जिसमें मैंने पेठा बनाया था इसी कढ़ाई में जो ये तेल बचा है ना, इसी में इडली को हम तड़का लगा लेंगे। ये मैंने लंबा लंबा प्याज कटवा लिया इडली में तड़के के लिए। ये थोड़ी सी सरसों डाल रही हूँ इसमें और गरम है तेल ऑलरेडी, साथ में इसके अंदर थोड़ी सी लंबी शिमला मिर्च और प्याज।
जीजू सिर दर्द में कुछ फर्क पड़ा? हाँ जी पड़ गया। थोड़ा बहुत? बहुत सारा पड़ गया। बहुत सारा पड़ गया। गर्मा गर्म इडली का नाश्ता करो। इस पे जोक याद आ गया। इसको म्यूट करके सुनाओ फिर तभी सुनाई देगा। सिर दर्द के साथ भी जोक याद आ गया? सिर दर्द पे ही है ना। अच्छा सुनाओ फिर। तो पूछता है डॉक्टर बंदे से कि तुम्हारा सिर दर्द कैसा है? कहता माइके गई हुई है। बड़े बदतमीज तुम्हारे जोक है भाई, और सारा टाइम जनानियों के ऊपर। तुम्हारा तो सिर दर्द मायके जाता ही नहीं जान। वही तभी तो हो गया आज। आज कैसे हो गया? तुम्हें तो होता नहीं है सिर दर्द। मुझे होता नहीं है। आज हो गया बस। देख लो मैं इसका मतलब मैं तुम्हारा सिर दर्द नहीं हूँ। मैं तो मायके जाती नहीं हूँ। नहीं तुम सिर दर्द तुम्हारे साथ ही जाती हूँ मिलकर मम्मी को। स्ट्रेस हो सिर्फ सिर दर्द। धन्यवाद, इतना प्यारा नाश्ता आपको बना के खिलाया उसके बदले आपने मुझे बताया कि मैं आपका स्ट्रेस। मैं मजाक कर रहा हूं। हां मजाक ही कर रहे हैं जीजू। सिर दर्द नहीं है। नहीं तो अभी तक होता है मुझे हमेशा सिर दर्द है ना। और क्या तो जाती रहती। देख लो अच्छी बीवी हो तो भी लोग दुखी रहते हैं। जिनकी अच्छी ना हो उनका क्या हाल होता होगा। वो बेचारे बोल नहीं पाते। जान फोक दो लाई थी मैं, एक आपके लिए एक मेरे लिए, आपने दोनों ही ले लिए। क्या बात, जिनकी बीवी अच्छी नहीं होती वो बेचारे बोल ही नहीं पाते, वो पहल देती है उसमें। चलो जी जय अन्नपूर्णा माता की। ये हमारा लाल आ गया है वापस पेपर देखे, और बहुत अच्छा हुआ इसका साइंस। साइंस और मैथ्स का फेवरेट सब्जेक्ट है। अब दो रह गए ना बस, हिंदी और मैथ्स। मैथ्स मैथ्स लास्ट है। ठीक है खाना ले आओ। ले आओ ले आओ, भूख लग रही है। ओके क्या बना गैस कर? राजमा। अच्छा बताया था मैंने, भूल गई। ये रहे आपके जीजू, आज थोड़े से ढीले मट्ठे हो रहे हैं इनका। मैंने बीपी भी चेक कर लिया, शुगर भी चेक कर लिया, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ फिर भी पता नहीं सिर दर्द नहीं ठीक हो रहा। इनको डिस्प्रिन भी खिला ली, गैस की गोली भी खिला ली। हाँ। अभी अपना एक्यूप्रेशर कर रहे हैं। कुछ हिंट दे रहा है सिर दर्द तुम्हें। क्या मैं सिर दर्द हूँ तुम्हारा, यही समझ में आता है मुझे। वो कहता ना जब सिर दर्द हो रहा है तो कह रहा मायके गई हुई है, जोक सुनाया था ना सुबह। हाँ अभी सुबह तो सुनाया था वो। मैं मायके नहीं जा रही हूँ, डोंट वरी। वो इंडिकेशन दे रहा था जाओ थोड़ी देर। वैसे मेरा बड़ा मन है, मैं पार्थ के पेपरों की वजह से रुकी हुई हूँ। इसके पेपर हो जाएंगे ना जब, तो मम्मी को मिलके आऊंगी। 16 साल से आज तक तो कभी गई नहीं तुम। गई नहीं मतलब बहुत हो गया तुम्हारा तो। ये 10 मिनट के रास्ते में मम्मी रहती हैं, चली जाऊं रहने? चली जाऊं रहने जाओ, तुम 5-6 दिन वहां रहेंगे बेटे। जब रहने जा गई थी ना एक बार मैं। कब गई थी? जब पापा हम की डेथ हुई थी तब मैं रही थी वहां कुछ दिन। तो तुम लोगों का हाल कैसा हो गया था, बंजारों जैसा? वो तो कहते ना मम्मी से पूछ। अच्छा मेरा फोन आ रहा है, बाद में बात करूंगा, रुक जाओ। हेलो। बोल नहीं पाए कुछ? वैसे मैं मायके जाती नहीं हूँ रहने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी का घर यहीं 10 मिनट की दूरी पर है, तो जाकर रहना डजंट मेक सेंस। यहाँ पर भी फिर कैसे मैनेज होगा ना, करना तो है ही। तो इसलिए मैं मम्मी को जब भी शुरू से, जब से मेरी शादी हुई ना, मैं जाके मिल के आ जाती थी। पहले तो मोहित साथ ही जाते थे मेरे, मिलाती थी। फिर उसके बाद जब मैं पार्थ को स्कूल से लेने जाती थी तब कभी मिलाती थी उनको थोड़ी देर, घंटा भर मिलाई। बस ऐसे ही जाती रही हूँ मैं। सिर्फ अभी जब लास्ट ईयर मेरे फादर की डेथ हुई थी तब 13 दिन मम्मी के साथ रहे थे मैं और मेरी सिस्टर वगैरह। तो तब पार्थ की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको पैंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो रखी थी। तो बहुत मुश्किल हो गया था मोहित के लिए भी, इधर भी घर पे मैनेज करना। तब इन्हें समझ में आई थी कि नहीं भैया तुम बस मिल के आ जाया करो वापस। आज ज़्यादा डायलॉग मार रहे हैं। सिर दर्द चले जाओ मायके, अभी बताती हूँ। सुबह से इतने प्यार से इनको मतलब कर रही हूँ मैं सारा कुछ इनका। इनको इतना लाड किया मैंने, इनको सारी चीज़ें ये दूँ वो दूँ, ये लगा दूँ ये कर दूँ। अभी भी बोल रही हूँ मैं इनको कि मैं तुम्हारे नेक वेक पे मालिश कर देती हूँ, सर्वाइकल का भी कई बार ना दर्द चढ़ जाता है। इनको ऐसे यहाँ पर खिंच पड़ रही है सारी, तो अभी मैं कर दूंगी। जब हम थाईलैंड गए थे ना तो वहाँ हमने मसाज कराई थी, तो मैंने देखा था कि वो कैसे थाई मसाज करती हैं, बड़ी रिलैक्सिंग होती है। ऐसे एल्बोज और पूरी आर्म से ना ऑयल लगा के, तो वो मैं जब भी मोहित की करती हूँ तो इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। मैं सोच रही हूँ कि इनकी वो मसाज भी कर दूँ एक बार, क्या पता उसी से ठीक हो जाए। तो कॉल आई हुई है इनको बैंक से, तो ठीक हो जाएंगे। पता नहीं चल रहा एक्चुअली कि क्यों इतना सिर में इनको स्ट्रेस हो रहा है। कोई और तो कोई ऐसी स्ट्रेस वाली बात है नहीं। मैंने बीपी भी चेक कर लिया, वो भी नॉर्मल आया था 130/85, और शुगर इनकी खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करी थी वो भी बिल्कुल ठीक आई थी 120। फिर पता नहीं क्या हो रहा है इनको। अभी खाना खिलाती हूँ, शायद खाना वाना खा के ठीक हो जाए। तो ये मैं सैलेड कट कर रही थी, मैंने सैलेड कट कर लिया, खीरा टमाटर प्याज। गर्मियों में बहुत मज़ा आता है, आपको पता है ना, सैलेड के साथ खाना खाओ। सर्दियों में भी मूली वगैरह प्याज तो हम काट ही लेते थे।
तो आप भी अपने घर वालों को जब भी खाना खिलाओ साथ में खूब सारा सैलेड भी कट करो। अब राजमा खोल के देख लेती हूँ मैं। आज मैंने सिर धोया है, मुझे वीडियोस भी बनाने हैं, मेरे को ब्रांड के कुछ वीडियोस की डेट्स है वो भी देने हैं करके। वेट, ये मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया इसमें क्योंकि ज़्यादा गाढ़े थे। अब इसको मैंने गैस ऑन कर दिया, एक बॉयल आएगा, इसमें थोड़ा सा मैं धनिया डाल देती हूँ। राजमा रेडी है, साथ में बनाते हैं चपाती। बिल्कुल थोड़ा सा ही धनिया बचा था वो मैंने डाल दिया, बल्कि आज सब्जी भी ऑर्डर करनी है, काफ़ी ख़त्म हो रही है। साथ में मुझे ये करनी है गोभी ग्रेट, क्योंकि मुझे बनाना है मम्मी के लिए गोभी का पराठा। वो राजमा नहीं खाएंगी, पापा तो राजमा खा लेते हैं, मम्मी नहीं खा पाती उनको, मतलब हैवी लगते हैं, खा तो लेती हैं लेकिन फिर वो कहती हैं उनका पेट ख़राब हो जाता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी उनको पराठे अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्टफ्ड, तो चाहे दोपहर को भी दे दो, नाश्ते में तो पराठे देती हूँ मैं, तो मैं गोभी का पराठा दूँगी, खुश हो जाएंगी। चलो फिर अब उनका पराठा बनाते हैं गोभी का, और इन सबको देते हैं चपाती राजमा के साथ। आप भी आ जाओ गाइस, गरम गरम लंच करो हमारे साथ। लो जी, टमाटर के बीज हटा लेना जी, धन्यवाद। और मैं अभी तुम्हारा ना खाना खाने के थोड़े गैप के बाद करूंगी तुम्हारी थाई मसाज। 5 बजे तक तो मेरी कॉल है, उसके बाद ही होगा। कोई नहीं, लेकिन करूंगी आज, ठीक है? देखना तुम्हें उससे फर्क पड़ जाएगा। ओके, सपना जैसी मसाज मत कर देना। कौन सी सपना? अच्छा कपिल शर्मा। हाँ वैसे ही करेंगे। कल कह रही हूँ उल्टा करके, आपको उल्टा लटका के उसके बाद आगे पाओ की मसाज करते। आज मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ तुम्हारे साथ करने का। ठीक है चलो, ओके थैंक्स, खा लो। क्या आप? हाँ वो जब हम थाईलैंड से आए थे याद है तेरे को, ऐसे वाली करती हूँ जो मैं लटा के उनको हाथों से तेल लगा के, उनको कितना फर्क पड़ जाता है सर्वाइकल में, है ना? कब करोगे? पापा की 5 बजे तक मीटिंग है ना, उसके बाद कर। बजे तक? हाँ मेरी 6 बजे, मेरी तो 5 से 6 योगा क्लास है। तो फिर कब करोगे? रात को ही होगी, खा ले। हाँ है, अच्छा मजा आ गया, चल ला रही हूँ रोटी। और ये जब घर वालों को खाना अच्छा लगता है ना तो बनाना सफल हो जाता है। देखो ज़रा अंदर, उनसे देने और बात करने के चक्कर में ही रोटी ज़्यादा हो गई। गाइस सर्वाइकल हो रहा है ना, तो मसाज का स्टाइल दिखाते हैं हम आपको। थाईलैंड में सीखा था थोड़ा सा, इनको काफ़ी आराम आता है उससे, ये सारा पोर्शन स्ट्रेंड होता है सर्वाइकल में। यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ अच्छे से, थोड़ा जेनरसली। पहले हम थंब के प्रेशर से इनकी बैकबोन की दोनों साइड्स के आसपास ऐसे ऐसे रिलीज कर रहे हैं प्रेशर। बैकबोन पे तो बिल्कुल भी नहीं प्रेशर डालना गाइस, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का भी कोर्स किया हुआ है और मसाज भी ठीक ठाक कर लेती हूँ।